दिनांक 6 मार्च 2024 को जनपद हापुड़ के थाना गढ़ मुक्तेश्वर थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडे के नेतृत्व में बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस ने सफल नावरण करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही से चोरी की 6 मोटर ट्यूबवेल, 3 झटका मशीन, तांबे का विद्युत तार, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, अवैध असलहा, मोटर तार काटने, चोरी करने के उपकरण बरामद किए। कारी नईम के साथ संवाददाता अबरार की खास रिपोर्ट। बोलना गया सब स्टाफ के दो आरोपी पकड़ गए, कुछ क्या है मामला सारा? देखिए, थाना क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अंतर्गत बीते 2 दिनों में ट्यूबवेल से मोटर चोरी की कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल 2 टीमों का गठन किया गया और फिर सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना पर लगातार दबिश दी गई और सुराग रसी पता रसी की गई। उसी के बिना पे कल रात्रि थाना गढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं दिनेश, रहीस, असगर और योगेंद्र। इनमें दिनेश जो है ये मुरादाबाद का है और बाकी 3 जो हैं ये अमरोहा के ही विभिन्न थानों के गजरौला हसनपुर के रहने वाले हैं और इनका इनमें से कुछ का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है, जिसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। और इनकी निशानदेही पे बड़ी बरामदगी हुई है, जिनमें 3 झटका मशीन है और विद्युत केबल है और कॉपर की बाइंडिंग्स बरामद हुई हैं और इनके उपकरण रिंच, पाना आदि भी बरामद हुए हैं और 6 अदद चोरी की मोटर, जिनमें से 3-4 तो हमारे ही थाने से कनेक्ट हुई हैं, वो बरामद हुई हैं और 1 अदद तमंचा मैं जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और इनके पास से 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी हमें बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कोई और भी साथी इनके सर संलिप्त हैं? इनके साथी देखिए, इन्होंने इनमें से 1 कबाड़ी भी है और इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। इनमें से 1-2 लोग पहले जेल भी गए हुए हैं और हम इनके CDR वगैरह छानकर अगर इनका कोई भी साथी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको भी पता करके उसको भी इसका अंजाम दे पहुँचाएंगे।